सीबीएसई के 12वीं एग्जाम कैंसिल होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देखने वाले छात्रों के मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस बेस पर होंगे। क्या हर बार की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बेस के आधार पर एडमिशन लेगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सीबीएसई बोर्ड समेत कुछ अन्य बोर्ड्स ने अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार ने बीते दिन इसका ऐलान भी कर दिया था और अब कई राज्यों के स्टेट बोर्ड भी ऐसा ही कदम उठा सकते हैं। अब जब नतीजे बोर्ड द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया पर आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल कॉलेज में एडमिशन का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस बार भी उनकी यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर एडमिशन किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ा बयान है कि इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट के आधार पर ही किए जाएंगे, यानी एंट्रेंस एग्जाम के ऑप्शन के बारे में अभी फिलहाल सोचा नहीं जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां देश भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर पीसी जोशी ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि भारत सरकार ने कोरोना के कारण जो फैसला लिया है वे उसका समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन मेरिट के आधार पर ही किए जाएंगे। रिजल्ट के लिए बोर्ड जो भी क्राइटेरिया तय करेंगे वे उसका सम्मान करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि सीबीएसई अपना रिजल्ट घोषित करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो अपनाएगी, क्योंकि रिजल्ट आना तो तय है। ऐसे में उन्हीं नतीजों के आधार पर ही हम मेरिट को तय करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन खारिज इस बार कर दिया गया है। बता दें कि हर साल करीब 12 लाख बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले अलग अलग कॉलेज में जाते हैं। इस बार पहले यूनिवर्सिटी की ओर से फार्मूला दिया गया था कि 50% बच्चों को मेरिट के आधार पर और बाकी बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए कॉमन टेस्ट को तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब जब कोरोना की तीसरी वेव आने की आशंका है और स्टूडेंट पेरेंट्स कुछ घबराए हुए हैं, तो ऐसे में एंट्रेंस टेस्ट के ऑप्शन को अभी के लिए टाल दिया गया है और अब मेरिट को ही आधार माना जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें सीबीएसई के उस फार्मूले पर टिकी है जिससे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि अब की बार भी हर साल की तरह एडमिशन जो है वो मेरिट के आधार पर ही होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, तथा ऐसी ही और नई अपडेट जानने के लिए जीके लास्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करें।